नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव की पाठशाला में। और आज हम आपको अपने स्कूल का टूर कराएंगे। बेसिकली अभी हम लोग खड़े हैं पाठशाला के निचितपुर सेंटर में, और यहाँ पे बच्चों के बीच में ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है। लगभग 120 से 125 बच्चे हैं, फुल हाउस है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं स्कूल में भी क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे आज स्कूल का पूरा टूर कराएंगे इस पाठशाला निचितपुर का, क्योंकि इसके पहले जितने भी स्कूल का टूर कराया था, इस स्कूल का टूर बाकी था। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से हमारा ये इनिशियल बोर्ड है, और ये थोड़ा सा धूप के कारण से रंग हो गया है, और ये एक डोरबेल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास में। आइए, बेसिकली बच्चों ने बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, और अभी तक मुझे कोई खास ड्राइंग दिखा नहीं है। सांगवी, क्या बना रही है? क्या बना रही हो तुम? हाँ, क्या है ड्राइंग में? वाह, और तुम क्या है पर्यावरण से? क्या है ये, क्या बताओ क्या है पर्यावरण में? ये क्या, ये सूखा हुआ पेड़ है क्या? अच्छा, मतलब पृथ्वी आधा सूख जाएगा अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो, ना? तो पर्यावरण जरूरी है। वेरी गुड, चलो बना बना बना। हमको लगता है कि वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? नैना। वाह, वेरी गुड नैना। चलो मत पैदा करो इसको, कोई अच्छा बना नहीं रहा पेंटिंग इधर। अरे यहाँ भी तो बना हुआ है, देखो यहाँ पेड़ वगैरह सब है। यहाँ पे बड़ा सा आधा पेंटिंग तो यहाँ से बन सकता है, साफ सफाई कचरा का ये बढ़िया बना रहा है। वाह, ये क्या, ये पेड़ काट रहा है ना? वेरी गुड। आइए आपको ऑफिस दिखाते हैं हमारे। ये अपना ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, इसमें बहुत सी चीजें आती है। ये दिखाते हैं क्या क्या ऑफिस में है। तो सबसे पहले ऑफिस में अभी हम लोगों ने रिसेंटली सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया है विथ वाईफाई। इससे फायदा क्या होगा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और वो सब भी हमें जानकारी मिलेगी। और मुख्य रूप से दिक्कत क्या हो रहा था, कोई बच्चा किसी का सामान निकाल ले या कभी कुछ ऐसा हो जाए तो उसकी भी जानकारी है। सब वाईफाई के साथ इसमें ऑडियो भी लगा हुआ, तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये ऑफिस टेबल चेयर तो आप देख ही रहे हैं। ये एक ऑनेस्टी शॉप है हमारा, ये ऑनेस्टी शॉप है जहाँ पे बच्चों के सारे सामान, चाहे कॉपी किताब हो, चाहे टाई बेल्ट हो, या फिर और भी जो सामग्री हो। और एक छोटा सा ये बच्चों का किताब वगैरह जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टी शर्ट्स वगैरह, चॉकलेट्स, बच्चों को खेलने के लिए कैरम है, चेस है, ये सब चीजें हैं। तो इस ऑफिस में बेसिकली ये छोटा सा, और अगर हमें कभी आराम करना पड़े या शिक्षक यहाँ रुक जाते हैं, बच्चों को कभी आराम करना पड़े तो इसके लिए बेड लगा रखा है हम लोगों ने। तो ये एक मल्टीपर्पज ऑफिस है जनरली, और आपको एक मल्टीपर्पज हॉल भी दिखाया था जहाँ पे क्लासरूम भी होता है, इवेंट्स भी होते हैं, और ये कुछ मैप वगैरह और कुछ महान हस्तियों के तस्वीरें वगैरह हम लोगों ने लगा रखे हैं ऑफिस में। नेहरू जी हैं, अंबेडकर जी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, विवेकानंद जी हैं, और हमारे अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो आइए आपको दूसरे क्लासरूम में ले चलते हैं। तो बेसिकली ये हैंडमेड नोटिस बोर्ड है, किसी ने बनाया है, बच्चे ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। और ये जूनियर सेक्शन है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं। क्या बदमाशी करते हैं तुम लोग? बैठ जाओ, खड़ा नहीं हुआ, बदमाशी करते हो? बदमाशी करते हो? केक खाया तुम लोगों ने? किसने नहीं खाया? क्यों नहीं खाया है? और तुम लोग केक खाया ना? क्या नाम है तुम्हारा? खड़ा हुआ काम पे आप ड्राइंग कर ली? क्या ड्राइंग बनाई है? कोई बात नहीं, कलर भी मिलेगा। क्या ड्राइंग में क्या किया तुमने? घर किसका? उस घर में क्या था, पेड़ था? क्या बनाई? चलो कोई बात नहीं, घर में पेड़ नहीं है, इसने ड्राइंग किया। क्या नाम है तुम्हारा, दिखाइए इसको जैसे ये देखिए अंजनी ने। किस क्लास में हो, टू में? ये क्या है, पृथ्वी है कि घड़ा है? और इसमें पानी गिर रहा तो पेड़ बड़ा हुआ है ना?
वेरी गुड। और ये क्या है? वाह, तुम भी बनाए हो? वेरी गुड। और आप? वाह वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर बनाया है। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। इसके बाद जूनियर सेक्शन क्लास वन है। ये कौन सा है? तू है, तू है। यहाँ भी बच्चे हैं, अभी ड्राइंग कर रहे हैं। वाह, इसका अच्छा ड्राइंग लग रहा है। क्या नाम तुम्हारा? सृष्टि का ड्राइंग अच्छा लग रहा है, उसने भी अच्छा बनाया। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बच्चे आज एनवायरमेंट डे का बना रहे हैं ना। क्या नाम है? रीमा। वेरी गुड रीमा, तुमने रंग भर दिया। वेरी गुड। क्लास टू है, हमारे टीचर है बबीता जी, अंजलि जी, बच्चों पे विशेष ध्यान दिए हुए हैं। और स्कूल काफी हवादार है, क्योंकि हम लोगों ने एसी तो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो हम लोगों ने अच्छे पंखे लगाए हैं और चारों तरफ से खुला है इन्वायरमेंट। कुछ पोर्ट हमने लगाए हैं स्कूल में, ताकि बच्चे इनको पढ़ पाए, इनको समझ पाए। और जगह की कमी के कारण, बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण, हमने एक एक कमरों में दो दो क्लासरूम की है। आप देख सकते हैं, एक बोर्ड वहाँ पे, एक बोर्ड यहाँ पे, एक मींस के यहाँ पे दो क्लासेस है। आइए थोड़ा सा बाहर का दिखाते हैं यहाँ पे नजारा। ये गार्डन एरिया है हमारा, जहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और बच्चों को बताते भी हैं कि क्या है क्या नहीं है। बेसिकली ये केले का पेड़ है, साथ ही साथ पपीता है यहाँ पे, आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब हर तरह के केले तो बहुत ही लगे हुए हैं। उसके साइड में शौचालय है, एक बेसिन है। आपको इधर पीछे का सीन दिखाते हैं, आप आइए। ये मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन है निशितपुर का, और एक पाठशाला का बोर्ड आप यहाँ देख सकते हैं। ये भी एक रास्ता है, और फ्यूचर में हमारा जो प्लान है कि यहाँ पे एक और चार कमरों का क्लासरूम बने। अब देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा, लेकिन कुल मिला के ये हमारा एक निशितपुर स्कूल का टूर था। बच्चों से भी आपको बात कराएं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सारे बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। उनको आज हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें होती हैं, उस पर हम लोग दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो पाए। आप सभी का सहयोग है, इसके कारण ये संभव हो पा रहा है। तो धन्यवाद आप सभी से जुड़ने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।